हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। तो आज मैं ना इधर चेज़ वैल्यू पर आया हूँ, तो मैंने सोचा जो चीज़ें लेनी है या परचेज़ करनी है उसके बारे में ना इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो चेज़ वैल्यू है बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें जब मैं इंटर हुआ तो ये बेसमेंट है, देखें कितनी खुली है राउंड द क्लॉक्स। और इसके भी टू पॉट्स हैं, बेस के जो है ना टू पॉट्स हैं, एक जो है बाइक्स के लिए और दूसरा जो है वो कार पार्किंग के लिए। तो हम ऊपर जाते हैं, कार पार्किंग का जो एरिया है वो विज़िट करते हैं। मेरे साथ रहिएगा, आप एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो ये एरिया जो है ये सेकंड पोर्शन है जहां हम राइज की तरफ ऊपर जा रहे हैं कार पार्किंग के लिए। बेसमेंट का जो एरिया है इसको देख के लगता है कि ये लोग जो हैं कितनी वेल प्लानिंग है, होना भी ये चाहिए। ये जो टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट है, इतनी अच्छी कॉलोनियाँ बन रही हैं, जगह कम पड़ रही है, तो उसके लिए अब हमें यूँ ही करना होगा। जितनी बेसमेंट बनाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कम जगह का। तो गैज, ये सेकंड बेसमेंट है, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत सारी कारें जो हैं यहाँ पे। तो गैज, मैंने डिसीजन लिया है कि सीढ़ियाँ को जो है ना ऊपर चढ़ के जाया जाए, लिफ्ट को यूज़ ना किया जाए। बहुत ही नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट है। ये देखें, इस तरह के जो गाय बड़े शॉपिंग मॉल हैं उनका ये फ़ायदा होता है कि बंदा चीज़ पांच लेने के लिए आता है तो लेके दस जाता है। ये हम अब सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं, आगे हम यूज़ करेंगे लिफ्ट का। तो ये लिफ्ट के पास हम आ गए हैं, हम इसको पुश करेंगे। अटेंशन प्लीज़ गाइस, फाइनली हम लिफ्ट में एंटर हो चुके हैं। अब ऊपर के फ्लोर की तरफ जाते हैं, उसको जाने के लिए हम ये पुश करेंगे। गाइस, ये इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ हैं, इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। बड़े ही मज़े के जो है ना बूटे आ रहे हैं। लेडीज़ एंड गाइस, ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत कपड़े जो हैं वो डिस्प्ले किए हुए हैं इन्होंने। नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट है, देखें। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, ये देखें नीट एंड क्लीन। हर तरह की चीज़ अवेलेबल है, जितना आप पैसा डालेंगे उस तरह की मियार में आपको चीज़ मिलेगी यहाँ से। हम फिर ऊपर जा रहे हैं कॉस्मेटिक्स की चीज़ें लेने के लिए। गाइस, दुनिया कितनी तरक्की कर गई है। तो ये देखें, यहाँ पे ना ट्राई रूम भी है कि कोई बंदा कुछ चीज़ लेता है तो उसे फिट है या नहीं है, एडजस्टेबल है या नहीं, तो यहाँ पे ट्राई भी कर सकता है। लेवल हो गया, हाँ, यहीं से आप फिट करके जाएं, पूरी है आपको नहीं पूरी, छोटी है, लेंथ का मसला है, विड्थ का मसला है, तो ये सारे सोल्यूशन हैं। हाय गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ जहाँ से हम ऊपर आए थे। बेसमेंट में जो शॉपिंग करनी थी वो कर ली है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, नीट एंड क्लीन है, इतनी चीज़ें लगी हुई हैं, जो मर्ज़ी यहाँ से ख़रीद लो। यहाँ तो बंदा जितने मर्ज़ी पैसे लाए ना पता ही नहीं चलता, थोड़ी सी चीज़ें लें और पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं बेसमेंट में,
यहाँ से ऊपर गए थे। ये है बेसमेंट, फिर इसका सेकंड पोर्शन है जो नीचे की तरफ है, जो हम नीचे जा रहे हैं। तो गाइस ये सेकंड बेसमेंट है जो बाइक्स के लिए, बाइक्स का प्रॉपर स्टैंड है। और बेसमेंट में आने के बाद पता चलता है कि यहाँ गर्मी बिल्कुल नहीं है, टेम्परेचर ना होने के बराबर है। तो उसी तरह का सिस्टम जो है ना, ये टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट में होना चाहिए कि अब हमारे पास जगह कम है तो उसके लिए बेसमेंट अगर हम बना दें तो उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।